राधे श्री राधे। प्रेमी सजनों, सर्वप्रथम आदरणीय अयोध्या नगरी जैसे सुशोभित होती हुई आदरणीय मेरी सम्मानित माननीय ये पंच कमेटी के चरणों में जो भी बैठे मेरे पितातन बुजुर्गन भाई बंधु बैठी मेरी माता बहने सभी के चरणों में आपकी नन्ही सी बालक आपकी आंगन की बालक कुमारी इंद्र सिंह गुर्जर की तरफ से प्यार भरी राम राम साहब नमस्कार जी। ऐ राम राम तो ले लो, तुम तो बिल्कुल ऐसे आके बैठ गए जैसे कोई आंख इनके कैंप में आंख बनवा भी आए। सजनो, पहली बार आपकी उपस्थिति में प्रवेश किया ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। कलाकार एक से एक बढ़कर आपके सामने बड़ा ही दिग्गज कलाकार है बाबा साहब। मैं तो उनकी जो पैरों की रज हुआ करती उसके बराबर भी नहीं हूं, लेकिन प्रेमी श्रोताओं बात आती है संगीत वाली बात। गाना बजाना वास्तव में बाबा साहब बहुत उच्च कोटि की कला है। गाना बजाना कोई बाजीगर का खेल नहीं कि एक रुपए को दो रुपए बना दे, ये नारद कला है, स्वर में ईश्वर का दास होता है। लेकिन कभी ने अपनी कलम को उठा करके बड़े ही प्यारे शब्दों में लिख दिया है कि जिस भावना में भावना, जिस भावना में भावना वह भावना बेकार है, और जिस भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। सब भाव की बात, गायकों को इतना प्यार इतना सम्मान आपने दिया, इस बस्ती में बुलाया, हम वास्तव में कृतार्थ हो गए। लेकिन सजनों साखी आपको हर कलाकार सुनाता हुआ जाएगा, और भैया जी साखी गवैया ऐसे पी जाएंगे बाबा साहब जैसे पाकिस्तान को निचोड़ो कर रहे। लेकिन आइए दो लाइनों में चलते हैं उस मुरली मनोहर के चरणों में, बड़े ही प्यारे शब्दों में लिखा भैया जी क्या कहा। और मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, और इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी राम खिलाड़ी जी हमें आशीर्वाद रूप में दे रहे, बार बार धन्यवाद देते इनके लिए। लेकिन लिखा क्या, और मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, दोनों नैना नैना दोनों नैना नैना दोनों ना घनश्याम के कटिले कटार के, दोनों ना घनश्याम के कटिले कटार के। लेकिन
दावा करती हूँ, अगर आपने कथा को गहराई से सुना तो प्रसंग आपके खुद ब खुद समझ आएगा। सजनों, एक दिन की बात, एक समय कौन सजनों, वो अर्जुन यानी कि सजनों वो पारथ, वो बाणधारी सजनों शिकार खेलने के लिए जाता है। जैसे ही शिकार खेलने के लिए गया, श्रोता बंधुओं, जिस बनी में अर्जुन शिकार खेलने के लिए जाता है, और इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय जतन पटेल जी दे रहे हैं, 21 रुपए का पुरस्कार ये हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद इनके लिए। लेकिन सजनों सुनिएगा, जैसे ही अर्जुन शिकार खेलने के लिए गया, जिस बनी में शिकार खेलने के लिए जाता है, काफी समय हो गया अर्जुन के लिए कोई शिकार नहीं मिला। भैया जी, अर्जुन परेशान है, चिंतित है, यही तपती दोपहरी का समय हो गया। सजनों, अर्जुन को प्यास सताने लगी, अर्जुन जल की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। लेकिन विद्वान श्रोताओं, आखिरकार अर्जुन जल की तलाश में जाता कहां पर है, सुनिएगा भैया जी क्या बताया। सजनों, बड़ा ही रोचक प्रसंग आपके समक्ष, आखिरकार वो अर्जुन वो पारथ जल की तलाश में गया तो गया कहां पर भैया जी, लिखा कवि ने कैसे, तपती दोपहरी क्या करने लगा वो पारथ, ध्यान दे कथा की तरफ। अरे परच लगती धूप पार्थ को, और रूप सभी और मुरझाया, और जल ढूंढन के, अरे जल ढूंढन के, और हित पार्थ ने बताया कैसे, सुनिएगा कहां पर गया वो पारथ। अरे देख सरोवर तीर के निर्मल, विचार करें आखिरकार गया कहां पर वो पारथ। अरे देख सरोवर तीर के निर्मल, और हेरे नीर रोक दियो घोड़ा, धन्यवाद उनके लिए। लेकिन भैया, सरोवर के किनारे पर वो अर्जुन वो पारथ अपनी प्यास को बुझाने के लिए जाता है, लेकिन हुआ क्या बताया। अरे देख सरोवर तीर के निर्मल, पंछी करे क्या भैया जी, अरे पंछी करे, बैठ जा लाला बैठ जा भैया जी,
पंछी करे किलोल चुगेवा जलहंसन के जोड़ा, पंछी करे किलोल चुगेवा जलहंसन के जोड़ा, जलहंसन के जोड़ा। आहा सजनो, और इसी बीच जो पुरस्कार हमारे लिए आया है, 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय मोहन सिंह जी सुबेदार, 50 रुपए का पुरस्कार पंडित बच्चू राम जी, 50 रुपए का पुरस्कार देवीराम जी बाबू जी, 50 रुपए का पुरस्कार महावीर जी डीलर साहब दे रहे, बार बार धन्यवाद। 51 रुपए का पुरस्कार रूप सिंह जी मेंबर दे रहे, सभी का बार बार धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगी इनका जोरदार ताली से सम्मान कीजिएगा। सजनो, जैसे ही जल की तलाश करता है वो पारत सरोवर के किनारे पर आ गया। और देखो साहब, बीच में किसी से भी मैं पूछ भी सकती हूँ कथा चल कहाँ पर रही है, इसलिए ध्यान को इधर मंच की तरफ लगाएं। बताया घोड़ा छोड़ उतर गए अर्जुन, भैया घोड़ा छोड़ उतर गए अर्जुन और सरोवर तट गए। आइए हाल भयो पे हाल, भूख को नहीं जाए प्यास सताइए। आगे बढ़ के फिर अर्जुन ने, आगे बढ़ के फिर पारथ ने, और पी लियो ठंडा पानी। और बाबा तुम आगे सुनो कहानी, जैसे अपनी प्यास को बुझाया जल को पिया, अपने कदमों को जैसे चलने के लिए आगे बढ़ाया, तो सजनों कहानी ने मोड़ लिया। आखिरकार उस पारथ ने, उस अर्जुन ने दृश्य क्या देखा और नजारा क्या देखा, सुनिएगा भैया कैसे। कहा ए और ले बाबा या के पैरनी, क्या देख रहा है अर्जुन, और ले भैया जाके पैरनी हारी संग ना, और हाथन को मिलो जाए कंगना। भैया जाके पहरनी क्या मिला अर्जुन के लिए, क्या मिला कमेटी वालों का मिलो कंगन। भैया जी सुनिएगा, अर्जुन के लिए जैसे कंगन मिला तो होने क्या लगता है, बताया क्या। हाथन को मिलो है कंगना रे, हाथन को मिलो है कंगना। भैया ए और सुनिएगा, भैया जाकी झिलमिली